नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। इन दिनों वायरल फीवर तेजी से फैला हुआ है, हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। व्यक्ति को गले में खराश होती है, उसके बाद बुखार और जुखाम हो जाता है। ये वायरल शरीर को तोड़ कर रख देता है और भयानक दर्द होता है। वायरल फीवर के दौरान खाने पीने की चीज़ों में परहेज बरतना होता है। आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े और शरीर को ताकत मिले। तो आइए जानते हैं कि अगर किसी को वायरल फीवर है तो वो अपने खाने में किन चीज़ों को शामिल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप वायरल से ग्रसित हों तो पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। इससे शरीर के टॉक्सिक तत्व बाहर निकल जाते हैं और आप शीघ्र सही हो जाते हैं। तुलसी की दो पत्ती डालकर एक कप चाय बनाएं और उसे गर्मा गर्म पी लें। इससे काफी आराम मिलता है। अगर चाहें तो तुलसी के पत्ते डालकर पानी को उबाल कर पिएं। इससे भी आपको आराम मिलेगा। वायरल फीवर में जूस बहुत फायदेमंद होता है। इससे शरीर को ताकत मिलती है। संतरे का ताज़ा जूस पीने से शरीर में ताकत आती है और ऊर्जा भी मिलती है। आप अदरक की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। शहद के साथ अदरक का सेवन करें, इससे गले की खराश में आराम मिलेगा। अदरक पड़ा हुआ गर्म पानी भी काफ़ी लाभदायक होता है। वायरल फीवर के दौरान तली भुनी सब्जियों के सेवन से बचें। उबली हुई सब्जियों या उनके जूस का सेवन करें। स्वाद के लिए काला नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं। किशमिश में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोक देता है। वायरल फीवर के दौरान खाने में लहसुन का इस्तेमाल करें, इससे वायरस आसानी से खत्म हो जाते हैं। बुखार में सब्जियों जैसे लौकी आदि का जूस बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसे पीने से शरीर को ताकत मिलती है। ऐसा करने से बॉडी को मजबूती मिलती है और आपका शरीर जल्द से जल्द फिट हो जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइफस्टाइल से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल स्काई।